स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द गा को रिलेशन कॉफिशेंट ये भी एक uh, टेस्ट है जो हम कंडक्ट करते हैं टू मैयर द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इसमें भी कॉजेशन नहीं होता इसमें भी सिर्फ असोसिएशन देखी जाती है मगर ये इसमें ज़रूरी है कि दोनों वेरीबल जो हैं वो ऑर्डिनल लेवल पर मैयर हुए हैं तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है ऑफ स्ट्रेंथ एंड एसोसीेशन चेक करने का इसमें एसोसिएशन की स्ट्रेंथ पता चल जाती है और डायरेक्शन पता चल जाती है और ये ऑर्डिनल लेवल पे कंडक्ट होता है और ये स्पेसिफिकली रिकमेंडेड है उन डेटा सेट्स में जिनमें आपके वेरिएबल्स के दरमियान टाइड रैंक्स आ रहे हों तो कैंडल टॉबी और हमने जो पढ़ा था स्पेयरमैन रो उसकी बजाय फिर हम गामा कंप्यूट करते हैं और इसको डिनोट किया जाता है जी के साथ तो यहाँ पर हम जो है काय स्केर को नहीं कंप्यूट करेंगे बल्कि सिर्फ गैमा को चेक करेंगे उसका बॉक्स और सिर्फ गैमा ही कैलकुलेट करेंगे कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू करने के बाद जब आप ओके okay करेंगे तो आपके पास ये दो टेबल्स आएंगे जिसमें उनकी कंटीजेंसी टेबल आ जाएगी जैसे हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं कि शेयर पोस्ट ऑन वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन फेसबुक बेस्ड ऑनलाइन सोशल ग्रुप्स एंड दूसरा है हमारे पास आई नो मोर अबाउट पॉलिटिक्स दैन अदर पीपल ऑफ माई एज तो इन के दरमियान ये कंटीजेंसी टेबल है और इसके दरमियान क्योंकि ये दोनों ऑर्डिनल लेवल पे मैयर हुए हैं नेवर रेयरली समाइम वेरी ऑफन ऑलवेज स्ट्रॉगली एग्री से स्ट्रॉन्गली डिसग्री तक तो गेमा की वैल्यू ऑर्डिनल बाई ऑर्डिनल जैसे यहाँ पर लिखा आ रहा है थ्री पॉइंट नाइन एट है और इसकी जो टेस्ट वैल्यू है आ, वो पॉइंट ज़ीरो फाइव से आ, आ, कम है और नीचे वो बता भी रहा है कि नॉट अज्यूमिंग द नल हाइपोथेसिस तो रिलेशनशिप डब्स एक्जिस्ट बिटवीन दूस टू वेरिएबल एंड दिस रिलेशनशिप इज़ मॉडरेट इन नेचर तो ये हम आ, टेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास आ, दो ऑर्डिनल वेरिएबल हों और ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है